गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हाई अलर्ट मेडिकेशन के बारे में या हाई रिस्क मेडिकेशन के बारे में। कुछ लोगों ने कमेंट करके हमारे वीडियोस पे ये रिक्वेस्ट किया था कि हम हाई रिस्क मेडिकेशन पे डिस्कशन कर लें, तो आज उन लोगों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए ये डिस्कशन है। हाई रिस्क मेडिकेशन क्या होता है? सबसे पहले हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट कैसे चलता है मेडिसिन पे। तो मेडिसिन की अलग अलग कैटेगरीज होती है, जिसमें से एक है हाई अलर्ट मेडिकेशन या हाई रिस्क मेडिकेशन। ये सिंपल, बहुत सिंपल चीज है, इसको याद करना ऐसे कि वो मेडिसिन जिसको देने से पेशेंट की जान पे खतरा बन सकता है वो हाई रिस्क मेडिकेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसी मेडिकेशन है जिससे पेशेंट की जान को खतरा है तो हम उसको देते ही क्यों है? ठीक है, हम लोग जानबूझ के नहीं देते, और बेवजह नहीं देते। अगर रिक्वायरमेंट है तो ही उसको दिया जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, ये कौन कौन से ड्रग्स होते हैं हाई रिस्क मेडिकेशन में आने वाले, और इन ड्रग्स को करना क्या होता है, इनको याद कैसे करना है, कि इन कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो हम लोग पहली कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे, ये होते कौन से हैं और इन्हें याद कैसे करना है। दूसरा, हाई रिस्क मेडिकेशन का मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो हाई रिस्क मेडिसिन, जैसा कि मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। इसको याद करने का बहुत ही ईजी एक फंडा है, इसका फंडा है PINCH। क्या हो गया? पिंच। ठीक है, पी से होता है पोटेशियम एंड ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो भी आयोनिक होते हैं, मतलब जो भी केमिकल्स होते हैं जिसपे आयन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम का नंबर होता है K+। ये जो प्लस लगा है ये पॉजिटिव आयन है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो Cl-, ये जो माइनस लगा है ये आयन है। तो जितने भी आयन्स होते हैं वो पी के सेक्शन में आते हैं, पोटेशियम एंड ऑल आयन्स। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? पोटेशियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। सोडियम में कौन सा इंजेक्शन होता है? 3% सलाइन होता है। ठीक है, तो ये 3% सलाइन हाई रिस्क मेडिकेशन है। देन कौन सा इंजेक्शन आएगा? फिर क्लोरीन का इंजेक्शन आ जाएगा, या आयरन का इंजेक्शन हम लोग जो देते हैं पेशेंट्स को जब वो प्रेगनेंसी होती है उनकी, तब जिसको ब्लड की कमी होती है उसको आयरन का इंजेक्शन देते हैं। तो ये जितने भी आयोनिक्स होते हैं ये पहले कैटेगरी में आते हैं, यानी कि पी में। पी से पोटेशियम एंड ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। आई का बहुत ही सिंपल है, आई फॉर इंसुलिन। ठीक है, कितने टाइप के इंसुलिन होते हैं ये आप लोगों का होमवर्क है, पढ़ के मुझे कमेंट में बताइए कितने टाइप के इंसुलिन होते हैं और उनको अलग अलग टाइप में क्यों बांटा गया है। ठीक है, तो सभी टाइप के इंसुलिन जो होते हैं वो हाई रिस्क मेडिसिन होते हैं, क्योंकि अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो पेशेंट की जान पे बनाएगी। तो इन सेकेंड आई से होता है इंसुलिन ऑल टाइप्स, इसमें लिख भी लेते हैं इंसुलिन ऑल टाइप्स, ये हाई रिस्क मेडिसिन होते हैं। एन से होता है नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक। नार्कोटिक ड्रग्स जो सेडेशन में यूज किए जाते हैं, और साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो साइकेट्रिक पेशेंट्स को दिए जाते हैं। ये दोनों ही ड्रग्स हमेशा हाई रिस्क मेडिसिन में होंगे, और एन से इसकी कैटेगरी होती है नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स। फॉर एग्जाम्पल कीटामिन, ये एनेस्थीसिया में यूज होने वाला एक नार्कोटिक ड्रग है। ठीक है, और लोनाजेपाम ये साइकेट्रिक ड्रग है। ये सारे ड्रग्स जो होंगे वो हमारे एंड में आएंगे, हाई रिस्क मेडिसिन में आएंगे, नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक। सी बहुत ही इजी है, सी से होता है साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है साइटो प्लस टॉक्सिक। साइटो का मतलब सेल, जो हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से तो बनी है, और टॉक्सिक का मतलब होता है नुकसान करने वाला यानी जहरीला। तो जो हमारे सेल्स को नुकसान कर सकता है, सेल्स के लिए जहरीला है, वो ड्रग्स होते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई ऐसी दवा है जो हमारे सेल्स को मार सकती है, हमारे लिए जहर है, तो हम उसको यूज क्यों करते हैं? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कीमोथेरेपी। जब पेशेंट कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको कीमोथेरेपी दिया जाता है। ये जो केमिकल्स होते हैं कीमोथेरेपी के, ये पेशेंट के सेल्स को मारते हैं। कौन से? वो जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको मारते हैं। ठीक है, बट उसके साथ साथ दूसरे सेल्स को भी मार देते हैं। तो कीमोथेरेपी के और साइटोटॉक्सिक जितने भी ड्रग्स हैं वो सारे किस में आएंगे? आपके हाई रिस्क में आएंगे, जो सी कैटेगरी में आएगा। लास्ट होता है एच फॉर हेपेरिन। ओके, हेपेरिन मतलब एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड को कोगुलेट नहीं करने देता, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता। अगर आप ये पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा और इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो वो पक्का एक्सपायर हो जाएगा हैवी ब्लीडिंग की वजह से। ठीक है, तो हेपेरिन और सारे एंटीकोगुलेंट्स किस में आते हैं? हमारे हाई रिस्क मेडिसिन में आते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? PINCH, पिंच। ओके, इसके अलावा एक और कैटेगरी है ओ। ये कैटेगरी बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इस पर अभी भी डिबेट चल रहा है। ओ से हमारे आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक्स के साथ आप एंटीमाइक्रोबियल भी इसको बोल सकते हो।
इसमें कैटेगरी वाइज है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल सारे हाई रिस्क नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपके लिए रिस्की होते हैं, जो बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, जो बिना सेंसिटिविटी टेस्ट करे नहीं दिया जाता। एक ड्रग का नाम बताइए और उसके लिए हिंट आपको देता हूं, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एटीटी ड्रग है और एंटी माइक्रोबियल है। ये आईएम दिया जाता है, डाइल्यूट करके पाउडर फॉर्म में ये आता है, और अगर इसको बिना सेंसिटिविटी टेस्ट के दे दिया तो बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। ये हमेशा सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद ही दिया जाता है। ड्रग का नाम कमेंट में लिखकर भेजिए, देन वी विल सी कि किसको किसको पता है और किसको नहीं पता है। आई विल रिप्लाई द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये जो इस तरह के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हाई रिस्क में आ सकते हैं, जो पेशेंट को नुकसान कर सकते हैं, वो भी इसमें है। बट ओवरऑल ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो PINCH, पिंच, पी फॉर पोटेशियम एंड ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, साथ में बोलते जाओ, पी फॉर पोटेशियम एंड ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, आई फॉर इंसुलिन ऑल टाइप्स सभी तरह के, एन फॉर नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक, सी फॉर साइटोटॉक्सिक या कीमोथेरेपी, एच फॉर हेपेरिन या एंटीकोगुलेंट्स, और ओ फॉर सर्टेन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे कि ये हाई रिस्क मेडिसिन तो है, अब इसका करना क्या है। अगर हाई रिस्क मेडिसिन पेशेंट को दे रहे हैं तो उसमें करना क्या चाहिए हम लोगों को। तो अभी आप सब लोगों को समझ में आ गया कि हाई रिस्क मेडिकेशन कौन कौन से होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखिए, पिंच। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि हाई रिस्क मेडिकेशन को मैनेज कैसे करना है, डील कैसे करना है। मैनेज करने के लिए आपको इसको तीन कैटेगरी में डालना होगा, सबसे पहला स्टोरेज, दूसरा ट्रांसपोर्ट और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन। स्टोरेज का मतलब आपको ड्रग को स्टोर कैसे करना है। हमेशा हाई रिस्क मेडिकेशन अलग स्टोर किया जाता है और लासा के कैटेगरी के हिसाब से स्टोर किया जाता है। लासा मतलब लुक अलाइक और साउंड अलाइक, इसकी एक अलग से वीडियो कैटेगराइज कर देंगे, उसमें आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा कि लासा ड्रग्स को स्टोर कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सेकंड, जो हाई रिस्क हाई अलर्ट मेडिकेशन है उसके ऊपर जिस भी शेल्फ में आप रखोगे उस पर लेबल किया जाएगा हाई रिस्क मेडिकेशन या हाई अलर्ट मेडिकेशन, प्रेफरेबली रेड कलर से मार्क करके रखा जाता है इसको, ताकि कोई भी नर्स अगर किसी भी काम में बिजी है तो भी गलती से भी हाई अलर्ट मेडिकेशन के साथ जरा से भी लापरवाही ना कर सके। सेकंड थिंग, ट्रांसपोर्टेशन मतलब प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन कैसे करोगे, जब फार्मेसी से जब ये मेडिसिन दिया जाता है किसी पेशेंट को या स्टाफ को, जब ये दिया जाता है हैंडओवर किया जाता है तो दो लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। हमेशा एक बंदा कभी नहीं करेगा, फार्मासिस्ट जो होंगे वो दो लोग होंगे, एक दूसरे को दिखाएंगे कि ये पर्टिकुलर हाई रिस्क मेडिकेशन हमने इश्यू किया है, हैव अ चेक, डबल क्रॉस चेक करो उसको और उसमें उसके सिग्नेचर लो कि ये दो लोगों ने चेक करके सही मेडिकेशन सही प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको दिया है। थर्ड आता है एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी आप इस हाई रिस्क मेडिकेशन को पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे होंगे, हर चीज को आपको डबल वेरीफाई करना है। जो 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन है उसके हर एक स्टेप को आपको डबल वेरीफाई करना है। जो ऑर्डर है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो पेशेंट की कंडीशन है, जो इंडिकेशंस है, उन सबको डबल वेरीफाई करो, दोबारा से वेरीफाई करो। देन जब आप उसको एडमिनिस्टर करने जा रहे हो पेशेंट को, तो अपने किसी कलीग को साथ में खड़ा करो और उसको बोलो कि हम ये पर्टिकुलर हाई रिस्क मेडिकेशन इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, यहाँ खड़े होकर उसको देखो और अगर कोई गलती होती है तो तुरंत रोक देना और हमको आइडेंटिफाई करा देना ताकि हम उसको करेक्ट कर लें। और जब आप वो मेडिकेशन स्क्राइब कर दोगे, तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे अपनी फाइल पे सिग्नेचर करोगे, तो जिस पर्टिकुलर स्टाफ ने आपका साथ दिया था, जो खड़े थे उसको देखने के लिए, उनके भी क्रॉस वेरिफिकेशन होंगे, उनके भी सिग्नेचर होंगे। तो हाई रिस्क मेडिकेशन पे डबल सिग्नेचर होते हैं आपके और एक पर्टिकुलर और स्टाफ के, टू एंश्योर डबल वेरीफाई कि पेशेंट को इसका नुकसान ना होने पाए। देन एक सिंपल सा तरीका जो मैं हमेशा अपने स्टाफ को कहता हूं, ये कोई रिकमेंडेड तरीका नहीं है, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, बट ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी है और बहुत ही फायदेमंद है। हम क्या करते हैं, हमारी पेशेंट की फाइल होती है जिसपे मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होता है या एडमिनिस्ट्रेशन की शीट होती है, जब भी नर्सेज उसको मेडिसिन जिसको भी दे रहे होते हैं तो उसमें उसको नोट डाउन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो मेडिसिन होती है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। कोई सा भी कलर आप चूज कर लीजिए, रेड कलर चूज कर लीजिए, ऑरेंज कलर चूज कर लीजिए, हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से जो भी हो, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन शीट पर अगर कोई हाई रिस्क मेडिकेशन प्रिस्क्राइब हो रही है आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, ताकि उसको देखते ही अगले बंदे को समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये हाई रिस्क मेडिकेशन चल रही है और उस मेडिकेशन पे उसको दूसरे स्टाफ पे सिग्नेचर लेनी है और क्रॉस वेरीफाई करना है, ताकि गलती से किसी भी वजह से पेशेंट को किसी तरह का नुकसान ना होने पाए। आई होप कि आपको हाई रिस्क मेडिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स लासा को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और कुछ लोगों के और भी वीडियोस रिकमेंडेशंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, हम उन पर भी जल्दी ही वीडियो बनाकर उसको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।